हाय मैं सुबंशु परिडा हूँ आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभु परेडा में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में जो प्राइंग सेगमेंट होता है ये एक होता है पोस्ट मार्केट एनालिस और एक होता है स्टॉक मार्केट पाठशाला स्टॉक मार्केट पाठशाला में जैसे कि आप लोगों को पता है एक बिगनर को एक हेल्प मिलता है ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है मार्केट कैसे क्या कैसे ट्रेडिंग करना होगा लॉस से कैसे बचना होगा वहाँ सब टॉपिक वो स्टॉक मार्केट को पाठशाला में डिस्कशन होते हैं वो पोस्ट मार्केट का एनालिसिस वीडियो जो कि मैं डेली लेके आता हूँ जो कि काल क्या होगा मार्केट काल के लिए लेबल क्या रह सकते हैं कल किस टाइप से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं सीप एंड शीप बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में डिस्कशन करता हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इसको वीडियो से आगे जाने से पहले मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर कमेंट कॉमेंट कीजिए नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं फ्री में टेलीग्राम में एक दिन में कॉल देता हूँ उसके साथ लाइव मार्केट अपडेट तो एब्सोल्युटली फ्री होता है लाइव मार्केट अपडेट तो क्या करना चाहिए कैसे ट्रेड करना चाहिए वहाँ पर आपको अपडेट मिलता है अगर आपको दो तीन महीना हो चुका है मार्केट बट आप कमाई नहीं पा रहे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे साथ जुड़ के लर्न कीजिए उसके साथ आन कीजिए जिसमें आपको लर्निंग भी मिलेगा उसके साथ अर्निंग भी कर पाएंगे एक साथ दो दो धमाका होता है ठीक है नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहां पर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए आपको प्राइम सर्व डेट बट आप ये जरूर कीजिए एब्सोल्युटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लान एंड ट्रेड है जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हर बार बोलता हूँ कल क्या होगा मार्केट को जानने से पहले आज का मार्केट को बिहेवियर समझना चाहिए अगर मुझे आप डेली फॉलो कर रहे हैं डेली देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो आप लोगों को पता है मैंने कल क्या बोला था मार्केट में कि आपका 37,247 एक लेवल लेके थर्टी लेवल ये बहुत बड़ा कल प्ले करेगा ठीक है तो हुआ क्या आज देखिए मार्केट जैसे ही ब्रेक हुआ 37,247 सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन यहाँ से एक पुट ऑप्शन ही बनता था जब मैंने 37,000 सेवन पुट ऑप्शन मेरे प्रीमियम चैनल होल्डर वालों को दे दी क्यों दिया सीधी सी बात है क्योंकि थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन इसका सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर लिया उसके बाद थोड़ा सा ये वाला कैंडल में मार्केट वोलाटेलिटी हो गया उसके बाद ये जब ब्रेक किया जब ये थर्टी सेवन थाउजेंड वन फोर को जब ब्रेक किया और ये थर्टी सेवन थाउजेंड जो टू हंड्रेड मूविंग एवरेज इसको ब्रेक कर दिया उसके बाद एक अच्छा ऐसा अच्छा ब्रेकडाउन हो गया थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन सिक्स सेवन उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन लिया उसके बाद साढ़े ग्यारह के बाद मार्केट छोटा 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 स्टेप लेके अच्छा सा रिकवर कर लिया जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था लगभग वहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ इस तो यहाँ से हम लोग को पता चलते मार्केट आपको टू टाइप्स आज अर्निंग के लिए ओपन दिया आज का मार्केट एक प्रॉफिटेबल मार्केट था बोथ साइड था कॉल साइड भी था पुट साइड देखिए कि आज यूजल मैंने काल ही बोल दिया जब ये थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन सिक्स सेवन के ऊपर क्रॉस कर लेगा मार्केट आप आग बंद कर आप बाइंग कर सकते हैं ठीक है ये तथा आज का मार्केट का बिहेवियर कल क्या होगा कल अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इधर थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव के आसपास अगर गैप ऑफ ओपन होकर एक बहुत वॉल्यूम हो रहा है तो आप आग बंद करके वही कैंडल में ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपका फर्स्ट टारगेट थर्टी सेवन थाउजेंड एट जीरो आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा और उसके बाद अगर ये थर्टी सेवन थाउजेंड एट जीरो वन को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो यहां से एक बहुत सारे प्रॉफिटेबल मोमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें हम लोग थर्टी एट थाउजेंड वन सिक्स एट देखने को मिल जाएगा ठीक है नहीं तो अगर आप वॉल्यूम नहीं पढ़ पा रहे मार्केट में तो एक कैंडल क्लोज होने दीजिए उसके बाद और एक कैंडल ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल शुरू हो रहा है तो आप वही कैंडल में एंट्री लीजिए छोटा सा लॉस चालीस पचास पॉइंट का लॉस के साथ काम कीजिए फास्ट टारगेट थर्टी सेवन थाउजेंड एट जीरो वन को रखिए अगर उसको भी ब्रेक डाउन कर लो ट्रेलिंग करके थर्टी एट थाउजेंड वन सिक्स एट तक जाइए जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है ठीक है अगर मार्केट कल गैप ऑप उप ओपन हो के मार्केट करेक्शन लेने के लिए मार्केट गिर रहा है मतलब मार्केट एक नेगेटिव कैंडल कर रहा है रिस्की ट्रेडर वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपका टारगेट रह सकता है थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर वन टू फोर सेवन अगर एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए अगर उसके बाद फिर एक और एक कैंडल अगर रेड आता है फाइव मिनट्स का टाइम फ्रेम का एक्शन देख के आप वहाँ पर सेलिंग साइड में जाइए पुट ऑप्शन को बाई कीजिए जिसमें आपका फास्ट टारगेट थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन रहेगा इसको जब भी ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से एक मैसिव फल देखने को मिल सकता है क्यों एक तो ये 200 मूविंग एवरेज को कट कर लेगा और उसके बाद ये 36,967 आएगा टच करने के लिए अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो फिर एक हम लोग यहाँ से मासी फल देखें जिसमें आप लोग ट्रेलिंग करके टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको दोनों लॉ एक अगर गैप ऑफ ओपन होते मैंने दोनों लॉजिक आपको समझ दिया ठीक है उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड अगर गैपडाउन ओपन होकर ऊपर जा रहा है और ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस जैसे कि अभी प्ले करेगा गैपडाउन जो प्लेगा थर्टी सेवन टू फोर सेवन ये लेवल को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लेता है कि ब्रेकआउट वहाँ पर आप एंट्री लीजिए छोटा सा चालीस पचास पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ आयोजल काम कीजिए जिसमें आपका फास्ट टारगेट थर्टी सेवन थाउजेंड एट जीरो वन रहेगा अगर उसको भी ब्रेकआउट कर लेते हैं थर्टी एट यहाँ से अगर डाउन ओपन होकर अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो यहाँ से एक प्रॉफिटेबल बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो होकर नीचे गिरा है तो आपको आग बंद करके सेल करना होगा क्योंकि सडनली ये 200 मूविंग एवरेज को कट कर लेगा तो यहाँ से 40-50 पॉइंट इजीली गिरता है तो यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन हो के मार्केट के तो यहाँ से आप सेलिंग साइड जाइए जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट 36,967 रहेगा अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 36,547 हम लोग इजीली देख सकते हैं ठीक है थीके? दो लॉजिक गैप गैप अप गयाप डाउन में दोनों लॉजिक आपको बता दिया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड करके देखिए बस ये दोनों लेवल को याद रखिए थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन टू फोर सेवन जब ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तब आप सेलिंग के लिए जा सकते अदरवाइज जब ये थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन के ऊपर रहेगा मार्केट आप बाय कर सकते हो तो काल के लिए बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा लेवल प्ले करेगा थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर सेवन ये दिमाग में रख लीजिए ठीक है ये मैं फ्यूचर के हिसाब से बोल रहा हूँ ये लेवल याद रख लीजिए ये लेवल आपके लिए काम में आएगा ठीक है ये बैंक निफ्टी था अभी हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे निफ्टी आज ही ऐसा ही था मैंने कल बोल दिया था मार्केट में कि जब सत्रह हज़ार फोर फोर वन को ब्रेकडाउन करेगा तो एक ऐसे हम लोग शार्प मूव देख सकते हैं ऐसे ही हुआ सत्रह हजार थ्री फ्री थर्ड तक टच करने के लिए आया बट इसको पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं कर पाए यहां से सपोर्ट लेके मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर लिया मार्केट अभी सत्रह हजार फाइव सिक्सटी टू में है ठीक है तो आज निफ्टी भी आपको दो साइड मूवमेंट दिया एक ऊपर साइड दिया एक नीचे साइड दिया ये मार्केट में ना आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए क्योंकि आज ऐसे ही हुआ मेरे प्रीमियम क्लाइंट एक थे उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हीट हो गया क्योंकि विदाउट नेकेड में काम होता तो है इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्शन मार्केट में आप स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए ठीक है तो जब मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाते है सेवनटीन थाउजेंड फाइव नाइन टू के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के ऊपर जा रहे तो आपको करना क्या थोड़ा सा वेट करना होगा अगर ये लेवल को ब्रेक ब्रेकआउट कर लेते हैं सत्रह हजार सिक्स टू नाइन ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं जिसमें आप छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉपलरस के काम करेंगे जिसमें आपका फास्ट टारगेट रहेगा सत्रह हजार सेवन नाइन थ्री ये आपका फास्ट टारगेट रहेगा अगर ये लेवल को ऊपर ब्रेकआउट करता है अगर कल मार्केट गैप अप अपन होकर नीचे गिरा है तो आपको आग बंद करके सेल करना होगा जिसमें आप फास्ट टारगेट आप देख पाएंगे सत्रह हजार फाइव थ्री एट ये इजिली यहाँ से टच करेगा अगर इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं सत्रह हजार फोर फोर वन ये भी हो सकता है जब सत्रह हजार फोर फोर वन ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से टच करने के लिए दोबारा आ सकते सत्रह हजार थ्री फाइव थ्री ठीक है तो इसीलिए अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है सी पॉइंट सी बाय कीजिए सत्रह हज़ार सिक्स टू नाइन के ऊपर नहीं तो सेल कीजिए और जैसे कि मैंने लेवल बोला सत्रह हजार फाइव थ्री एट ये लेवल तो फर्स्ट टारगेट रखे उसके बाद सत्रह हजार फोर फोर वन ये सेकंड टारगेट रखे थर्ड टारगेट आप सत्रह हजार थ्री फिफ्टी थ्री रखिए ठीक है अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और सत्रह हजार फाइव थ्री फाइव थ्री एट के ब्रेकडाउन करके ये लेवल को ब्रेकडाउन कर लिया मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसका मतलब ये सत्रह हज़ार फाइव थ्री एट को लेवल ब्रेकआउट कर ब्रेक डाउन कर लेगा यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना होगा जब ये सत्रह हजार फाइव थ्री एट के ऊपर क्रॉस करेगा तभी तो हमको बाय करना होगा छोटा सा स्टॉप लॉस दे के काम करेंगे यहाँ से फिर दोबारा हमारा फास्ट टारगेट रहेगा सत्रह हज़ार सिक्स टू नाइन रहेगा और ये जब ब्रेकआउट करता है आज यूजल हम लोग सत्रह हज़ार सेवन नाइन थ्री तक देख सक पाए थे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन है कि नीचे गिर रहा है तो आपको आग बंद करके सेल करना होगा वही कैंडल में जो कि हमारा फास्ट टारगेट रहेगा सत्रह हज़ार फोर फोर वन रहेगा अगर उसको भी ब्रेक डाउन कर लेते तो सत्रह हज़ार थ्री फाइव थ्री रहेगा ठीक है थीके? अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होते तो आपको सी पॉइंट सिर्फ ये लेवल को क्रॉस होने दीजिए सत्रह हजार फाइव थ्री एट अगर नहीं तो दोबारा सेल कीजिए जैसे मैंने लेवल बोला सत्रह हज़ार फोर फोर वन उसके बाद सत्रह हजार थ्री फाइव थ्री ये आपका टारगेट रहेगा आज यूजर बस मैंने दोनों लॉजिक समझ दिया गैप अप में के बारे में समझ दिया गैप डाउन के बारे में भी समझ दिया अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो फॉरवर्ड रिवर्ड करके दिखे बास ये लेवल बा, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा सत्रह हजार फाइव थ्री एट सत्रह हजार फाइव थ्री एट के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाय अगर नहीं तो नीचे सेल ठीक है मैं जो भी लेवल देता हूँ ये मेरे एजुकेशन में बेस में देता हूँ जो मुझे जितने समझ में आते उससे फॉलो करने से पहले आप थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लीजिए तो आज के लिए इतना ही था मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि चैनल बिगिनर के लिए ओपन हुआ है वहाँ पर बहुत एक बिगिनर को एक अच्छा खासा यहाँ से एजुकेशन बेस्ड देखने को मिलेगा ठीक है उसके साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्री टेलीग्राम चैनल लन एंड ट्रेडविल उसको ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलता है और हफ्ते में दो तीन दिन अच्छा कल मिलता है विथ इक्विटी एंड बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन जीरो नाइन जीरो सिक्स जीरो फोर एट वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए जिस प्राइम सर्विस के बारे में वहाँ पर डिटेल्स रीच हो जाएगा जिसमें जुड़ के मेरे साथ लान कर सकते हैं और आन भी कर सकते एक फ़ायदे में दोनों प्रॉफिट होते हैं जाने से पहले मैं आशा करता हूँ आपका कल एक प्रॉफिटेबल डे निकलना चाहिए फिर मिलते हैं कल थैंक्स फॉर वॉचिंग